नमस्कार दोस्तों, तो आप सबकी डिमांड पर लेकर आ गया हूँ होंडा RS CB 350 टॉप एंड मॉडल का रिव्यू। दोस्तों ये देख सकते हो अपने पास डुअल टोन कलर में है, अवेलेबल है अपने पास। तो ये देख सकते हो ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन के साथ में है। तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ, इसका प्राइस, माइलेज, इंजन, एवरीथिंग अबाउट दिस व्हीकल। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाकर लाता रहता हूँ दोस्तों। तो ये देख सकते हो अपना पूरा होंडा का शोरूम है और सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं इनका डिटेल्स भी आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो फटाफट से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का रिव्यू। और वीडियो पसंद आए तो थम्स अप लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए एवरी डे बनाकर लाता रहता हूँ। 6 PM को अपना एक रिव्यू आता है दोस्तों। तो फटाफट से बिना किसी देरी के इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्रंट से ही शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह। फ्रंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ पर आपको कोई ग्लास वगैरह कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। सीधा आपका राउंड LED लैंप आपको देखने के लिए मिल जाएगा और नन्हे मुन्ने से प्यारे से आपको अपने टर्निंग इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके नीचे आपको अपने सस्पेंशन चॉकर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप सकते हो जो ब्लैक कलर का जो राउंड सर्कल का ये दिया गया है, वो आपका ABS है दोस्तों, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और ये जो प्लेट है, ये आपकी ABS की प्लेट है, ABS की प्लेट है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है दोस्तों ये। और ये जो है आपकी डिस्क की प्लेट है, यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे, ये जो है ये मोटी वाली जो है ये आपकी डिस्क की प्लेट है, काफ़ी मोटी और काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपने सस्पेंशन चॉकर, काफ़ी पावरफुल और काफ़ी स्ट्रांग सस्पेंशन चॉकर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपका ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो होंडा का लोगो मिल जाएगा आपको देखने के लिए फ्यूल टैंक के ऊपर। और फ्यूल टैंक भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी प्यारा फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बड़ा सा फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 350 cc का पावरफुल इंजन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर आपको होंडा की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी। और पीछे में आपको इसमें डबल सस्पेंशन चॉकर देखने के लिए मिलेंगे, इस साइड में एक है, उस साइड में एक है। और टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो पीछे का टायर काफ़ी मोटा है दोस्तों आगे के टायर की अपेक्षा में। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अपने नन्हे मुन्ने से पीछे के इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और पीछे में आपको अपना LED टेल लैंप यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको अपनी होंडा की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी। और जो आगे का जो टायर प्रोफाइल रहने वाला है, वो रहेंगे आपके ओरिजिनल MRF के टायर रहेंगे, 100, 90, 19। यहाँ पर आप देख सकते हो 100, 19, 19, तो 19 इंच के बड़े आपको टायर इसमें देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी बड़े टायर प्रोफाइल के साथ में ये गाड़ी आती है दोस्तों, तो इससे आप बढ़िया खासी अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि सस्पेंशन भी अच्छे हैं और टायर प्रोफाइल भी स्ट्रांग है और ग्रिप भी ज़बरदस्त है दोस्तों। पीछे के टायर की ग्रिप देखो आप, कितनी ख़तरनाक और कितनी प्यारी लग रही है। और MRF का ओरिजिनल टायर आपको देखने के लिए मिलेगा पीछे में। और पीछे का जो टायर का साइज़ रहेगा 150, पीछे का टायर का जो साइज़ रहेगा 150, 70, 17, पीछे का जो टायर रहेगा 17 इंच का आपको बड़ा टायर इसमें देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और उसके बाद में आप सीट की क्वालिटी की बात कर लेते हैं, तो ये डिलीवरी वाली गाड़ी है दोस्तों, इसकी डिलीवरी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, पूरा एकदम सॉफ्ट मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। सीट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बढ़िया ग्रिप है और काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। और यहाँ पर आप देखोगे तो E20 का लेटेस्ट मॉडल है, यहाँ पर आप देख सकते हो E20 का लेटेस्ट वाला मॉडल है ये। यहाँ पर आपको अपना फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। और अब मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो सभी दिखा देता हूँ, हैंडल प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हैंडल प्रोफाइल है, काफ़ी बड़ा आपको इसमें हैंडल प्रोफाइल देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी चौड़ा है। और यहाँ पर आपको अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाएगा। ये छोटा वाला जो पार्ट है ये डिजिटल है थोड़ा सा, बाकी ये पूरा मैनुअल है। इसमें आपको अपने मोड, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से अपना आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जो सारे कंट्रोल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंट्रोलर दिए गए हैं, आपको स्विच दिए गए हैं। यहाँ पे आपको अपना हॉर्न, इंडिकेटर्स, यहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो और ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ से आप इजीली
इसको ये कर सकते हो दोस्तों, सेट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे तो होंडा की बैचिंग यहाँ पर आपको हैंडल पर भी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो सीबी की बैचिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अपने फुट रेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। पीछे जो बंदा बैठेगा, बंदा या बंदी, उनके लिए यहाँ पर आपको अपने फुट रेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना साइड स्टैंड देख सकते हो, और ये आपका डबल स्टैंड है, डबल स्टैंड। और यहाँ पर आपको अपना पावरफुल इंजन देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो ये जो 350 सीसी की गाड़ी है दोस्तों, इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माइलेज कितना निकाल के देती है, आपकी जेब के ऊपर कितनी भारी पड़ने वाली है ये गाड़ी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो इसका जो माइलेज रहने वाला है दोस्तों, आराम से आपको सिटी के अंदर ये गाड़ी अपना 45 तक का माइलेज निकाल के दे देगी दोस्तों। 45 तक का माइलेज आराम से ये आपको निकाल के दे देगी सिटी के अंदर। और हाईवे पर आपको 48 से 50 तक का भी माइलेज ये गाड़ी निकाल के दे देगी, कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं दोस्तों। और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी प्रीमियम बाइक है दोस्तों। ये बाइक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर अपने पास में ये यहाँ पर आप देख सकते हो होंडा की और भी एक बाइक है, ये भी काफ़ी प्यारी और प्रीमियम है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो, बट ये काफ़ी अच्छी लग रही है, डुअल टोन में है ये, डुअल कलर ब्लैक और येलो। और यहाँ पर आप देख सकते हो होंडा की सारी बाइक अवेलेबल है अपने पास में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये CB 350 RS है, वो हाईनेस है। उधर में आप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड के जैसे लुक वाली बाइक, वो भी हाईनेस है दोस्तों, हाईनेस 350 है। और सारी बाइकें अपने पास अवेलेबल है, यहाँ पर भी अपने पास अवेलेबल है। और इनके ट्रैक सूट, जैकेट वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है अपने पास में। और अब मैं आपको इस गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, इसका एक्स शोरूम प्राइस कितना है, ऑन रोड प्राइस कितना है, और ये आपको कितने की पड़ने वाली है, ठीक है। EMI वगैरह कितने की पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास में पूरी डिटेल है होंडा हाईनेस, होंडा बिग विन शोरूम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो मॉडल है दोस्तों, वो है CB 350 RS डुअल प्रो डुअल टोन एडिशन है, डिलक्स प्रो डुअल टोन एडिशन है। तो दोस्तों इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो रहेगी, इसकी जो प्राइस रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 2,17,000 की। तो ये आपको एक्स शोरूम पड़ेगी, 2,17,000 की आपको एक्स शोरूम पड़ जाएगी। और जो ऑन रोड प्राइस रहेगा दोस्तों, सारे खर्चे इंश्योरेंस वगैरह निकालने के बाद में, रोड टैक्स जो है कर्नाटक का 45,000 आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा, 45,268 रुपीज़ रोड टैक्स है। और जो इंश्योरेंस है वो रहेगा आपका 18,975 रुपये का। और उसके बाद में जो ऑन रोड प्राइस जो आपको पड़ने वाला है, 2,82,100 की ये आपको ऑन रोड पड़ने वाली है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में ऑन रोड प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन रोड प्राइस, और बेसिक किट वगैरह भी आप लगवाओगे और वारंटी वगैरह अगर लोगे तो उसके बाद में ये आपको पड़ जाएगी 2,93,000 की दोस्तों। एसेसरीज वगैरह सब फिटिंग करवाने के बाद में इसका जो ऑन रोड प्राइस आ जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में, 2,93,000 की ये आपको ऑन रोड पड़ जाएगी बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर में। अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, बट लगभग इतना ही प्राइस रहेगा होंडा बिग विन के शोरूम में। ये आप देख सकते हो होंडा बिग विन का शोरूम है दोस्तों, और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है अपने पास में। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी गाड़ी का चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, तो उस गाड़ी का मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आऊँगा फटाफट से बिना किसी देरी के। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने पास में होंडा की सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब 500 सीसी से नीचे वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियां अपने पास यहां पर अवेलेबल है। तो आप इजीली यहां कांटेक्ट कर सकते हो और टेस्ट ड्राइव वगैरह भी ले सकते हो, और यहां के जो सेल्स मैनेजर है उनका नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो इजीली आप कांटेक्ट कर टेस्ट ड्राइव वगैरह भी बुक कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाकर लाता रहता हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हो और बहुत ही प्यारी और प्रीमियम लग रही है दोस्तों ये गाड़ी, और आपका भाई इधर है ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।